नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कालराम मंदिर के आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों कालराम मंदिर के आंदोलन में अंबेडकर ने सवर्णों को चुनौती दी थी। 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने जो भाषण दिया वो काफ़ी प्रभावी, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था, आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, मंदिर में जाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी, हमारी समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक है। अंबेडकर ने कहा था कि कालराम मंदिर में प्रवेश करना सवर्ण हिंदुओं के लिए चुनौती से कम नहीं थी। सवर्णों ने हमारी पीढ़ियों के हक मारे हैं, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। क्या सवर्ण हिंदू हमें मनुष्य के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं? कालराम मंदिर के आंदोलन से यह साफ हो जाएगा। अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में सभी वर्गों का समान अधिकार है, यहाँ हम किसी को अछूत नहीं मान सकते। हिंदू धर्म में जितना योगदान ब्राह्मण, वशिष्ठ, क्षत्रिय, कृष्य, वैश्य, तुकाराम, उसी तरह वाल्मीकि और रोहिदास जैसे अछूतों का भी रहा है। अंबेडकर के आंदोलन में अहिंसा एक प्रमुख हथियार थी। अंबेडकर किसी कानून को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे। इस आंदोलन को देखते हुए नासिक के डीएम निषेधाज्ञा लागू कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी को मंदिर में प्रवेश के बारे में अपनी राय बताई थी। उन्होंने गांधी से कहा था कि शोषित वर्ग के मंदिर में जाने भर से अधिकार नहीं मिल जाएगा, इस तबके का सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण जरूरी है, इसलिए शिक्षा सबसे अहम है। अंततः जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती तब तक उनका कायापलट नहीं हो सकता। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।